जगन्नाथ यते नमः। आज आभासी अधिवेशन जोग दे समस्त को नमस्कार एवं सादर स्वागत जनाऊ। वर्तमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ नवदिन व्यापी यात्रा चली से परिप्रेक्षी आम विषय रखी श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम ए विषय आलोचना करेंगे आम सभ्य तथा विशिष्ट प्रवचक एवं जगन्नाथ चेतनार प्रवक्ता पंडित दासरथी सामंतराय। आज कार्यक्रम को संचालन करेंगे विशिष्ट साहित्यिका श्रीमती विजयलक्ष्मी पट्टनायक। मु अनुरोध करुछि श्रीमती विजयलक्ष्मी पट्टनायक महोदय को कार्यक्रम को आगे नबे। मत सुना जाऊनि सुना जाउछ हमको मैडम कर बोलते किसी त्रुटि अच्छी जानती त्रुटि मुझे सुना जाओ नहीं भाई हेलो हाँ मैडम सुना जाओ जी सुभिला मु सुनि सुनि परचोंदी हां हां सुना 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 आज्ञा मैडम टिके वीडियो टा ऑन करंतु हम कौन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गले तो ठीक कहिबी मु कहिबी एथरो मधु आज्ञा आपण कहंतु अच्छा मैम टिके वीडियो टा ऑन करिके कोन मु सुना जाउछि जय जगन्नाथ सुना जाउछि कि आगे आगे सुना जाउछि आज्ञा वर्तमान मधुस्मिता भौणी मधुस्मिता दास भौणी को मु अनुरोध करिवि से तांकर सुंदर हस हस मुखरे तांकर बिना जिणा कंठरे एवं तांकर मधुर स्वर रे आमको गोटे जगन्नाथ भजन सुनेबे एवं सी होचंती बापा जने रेडियो आर्टिस्ट थिले से समय 67 समय एवं राम गोविंद दास बापा से जने गीतिकार थिले रेडियो गीतिकार एवं से जने ये रेडियो आर्टिस्ट थिले एवं आमर भौणींकर मध्य समाज सेवारे बहुत आग्रह अनाथ आश्रम अर्थदान करचंती श्रमदान करचंती
एवं जगन्नाथ को उद्देश्य समर्पित तांकर समस्त कंठ एवं से कंठ को धरिकिरी से आम सांगरे आज उपस्थित अछंती। अनेक समय आमे तांकर भजन सुनिछंती, आज मु तांको अनुरोध करूछि से समर्पित स्वर रे गोटे सुंदर स्वर रे सुंदर भजन टीए परिवेषण करिबा पाई तांको अनुरोध करूछि। जय जगन्नाथ, समस्त प्रणाम। कोटी ओडिया मौड़मणि कोटी कैवल्यनाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री चरणार बिंदरे प्रणति निवेदन पूर्वक भक्त सालबेगंक रचनार एक पुरातन भजन गाइबा को जाउछि। आशा करे आपण मानको भल लगे। जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही। जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई रथ चारि पाखे लंबे मुकुतार छरा झल झल दिशु थाई प्रभु चका डोला। रथ चारि पाखे लंबे मुकुतार छरा झल झल दिशु थाई प्रभु चका डोला। झल झल दिशु थाई प्रभु चका डोला। जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई आगे चले बड़ भद्र मधी चांद मुहिरे आसुची कालिया पछि गहला लगाई रे। आगे चाले बड़ भद्र मधि चांद मुहिरे आसुची कालिया पछि गहला लगाई रे। आसुची कालिया पछि आसुची कालिया पछे गहल लगाई रे। जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई सातश पचास कोश चाली न पारई मोह जीवा जाए नंदी खोसे थी रही। सात सौ पचास कोश चाली न पारई मोह जीवा जाए नंदी खोसे थी रही। मोह जीवा जाए नंदी खोसे थी बरगी। जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही। तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही।
जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। जय जगन। अनम्यूट करके कहते जगन्नाथ निश्चित भाव आपण हृदय भरा निवेदन शुणी एत चमत्कार भाव जगन्नाथ को शुणी मुना जा बर्तमान आरंभ करवा आम वेबिनार विषय वस्तु दयना तुसी पशु थाओ आखि को श्री मुख दिशु थाओ गरुड़ पछरे आपे आपे हाथ उठी जाओ, आपे आपे हाथ उठी जाओ, एही भाग्य दियो महाबाहू, एही भाग्य दियो महाबाहू, तुमरी आखिरे आखि मिसी गले लुह दुई टोपा झरी जाऊ, लुह दुई टोपा झरी जाऊ, महाबाहु जीवन सार्थक हेउ, महाबाहु जीवन सार्थक हेउ। तरंग कल्लोलित सुनील सागर स्वर्णाभ बालुका किरण विस्तीर्ण रमणीय बेलाभूमि ताल नारिकेल तमाल घेरा अंका बंका सुविस्तृत वनभूमि ता भितरे विश्वमय परम सत्य परम भागवत सच्चित आनंदर मूर्तिमंत पुरुष श्री जगन्नाथ हे नारी बदन कमल स्वाद मधुप हे नील भूधर भूषित परम पावन कृपा पारावार हे नील शैलर निराद्री कंदरानंद हे कृपा सिंधु सर्व भवरगर वैद्य हे राधा बपुरांगन सुख प्रिय प्रभु तुम श्रीचरण रे कोटि प्रणाम जणाई ज्ञापन आदर करूछि मर्जन करे प्रभु संजोग ए जो रथयात्रा भितर जो वेबिनार टी आरंभ है संजोग आम समस्ते जानी आम जो मैंने तार सदस्य द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक मानकर एक संगोष्ठी जहार प्रतिष्ठाता सदस्य डॉक्टर हरप्रण प्रसन्न दास जने मोटिवेशनल स्पीकर टीवी आर्टिस्ट समस्या गुड़िकर सरल समाधान रो सूत्र धर म्यूट हे गला ना नहीं खुला हेलो 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 सुना जाउ जी ना मैडम आगे मत सुना जाउ जी अच्छा अच्छा हम जान कॉल जान कर आगे 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 हां दशरथ भाई जॉइन कर दिया अपन आगे आगे जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एक संगोष्ठी जहार सदस्य डॉक्टर हरप्रसन्न दास जने मोटिवेशनल स्पीकर टीवी आर्टिस्ट समस्या गुड़िकर सरल समाधान रो सूत्रधर व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम रे बस्ती पिला मानक मध्यरे
उत्साही संचार उत्साह संचार करी थांती एवं संजोग गृह को चलचंचल करी रखी थांती एवं भाई श्री राजकुमार सुतार जी प्रति सप्ताह रे आम मन को पाई परसी चली छंती योग संगीत वेद आलोचना एवं हस्ताक्षर इत्यादि बहु प्रकार रो जिनिस आम पाई से आनी दउ छंती पुणि एठारे सुतार टेरेस गार्डन रो फल चाष फूल चाष आनंदमय अनेक उपादेय आलोचना साहित्य चर्चा कविता आदि रो उपस्थापन करा जाए थाए समस्त वरिष्ठ सदस्य मानंकु ए सब को उपभोग करि थांती अति खुशी रे उपभोग करि थांती कोन टिके डिस्टर्ब होउछि भाई ये जो तंग ऑडियो ऑन कर चंदी नहीं नहीं से दशरथी सर कर ऑडियो टा ऑन थिला मु तको अब म्यूट करी देई छी सर पहिला बेले तको अनम्यूट करिवे आज्ञा नीलात्रु शंख मध्ये सततळ कमळे रत्न संघासनस्तं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथ चरण युतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र सेव्यं देवनं सारमेकं सकल गुण युतं ब्रह्म दारुं स्मरामि नीलगिरी पर्वत रे समस्त पापर त्राणकर्ता विष्णु रूपी नीलमाधवंकर परम ब्रह्म लीला बड़दांड रे चालीछि ओडिशार धर्म कहिले जगन्नाथ धर्म को ही बुझाए कारण उत्कलमणि गोपबंधु भाषा रे उत्कल नेतार नाही प्रयोजन उत्कल रो नेता स्वयं नारायण जगन्नाथ धर्म सर्वधर्म रो समन्वय पीठ एकत्वरे दिव्यत्व एवं दिव्यत्वरे एकत्व प्रवहमान काल स्रोत भिन्न भिन्न तरंग रे एई संस्कृति रे सूक्ष्माति सूक्ष्म धार्मिक विवेचना वास्तव रे रहस्यमय वेद ब्राह्मण्य आरण्यक उपनिषद जंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र वेद स्तोत्र पीटक जातक पुराण आख्यायिका काव्य नाटक ओषाव्रत कथा किंवदंती रूप से विराजित दारु ब्रह्म फल शैव शाक्त जैन बौद्ध सौर गणपत्य रामानुजी रामानंदी माध्व चैतन्य शंकर महासमुद्र पीठ से किए अवगाहन न करिछि जे वेद पंडित निराकार निर्गुण परम ब्रह्म साकार रूप देवाई जगन्नाथ विग्रह परिकल्पना होइछि वैदिक तत्वसम्मत अथच पारंपरिक मूल मूर्ति तत्व घटी से माधवरु नीलमाधव नीलमाधवरु परम ब्रह्म दारु ब्रह्म पुरुषोत्तम ओडिशार केउ पुण्य फल रे सारा पृथ्वी रे जगन्नाथ दर्शन रे घोष यात्रा चली आसी अति परिवर्तित ढंग रे ऋग्वेद प्राच्य भूखंड तथा संपूर्ण विश्व रे प्राचीनतम दर्शन ग्रंथ धर्म ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ बोली विवेचित ग्रंथ रे दारु ब्रह्म दारव ब्रह्म संपर्क रे उल्लेख रहिबा जेतिकि विस्मयकर सेतिकि आनंददायक मध्य मन बड़दांड घर घर कर नाद परम ब्रह्म जगन्नाथ चक्षु मुद्रित चर्म चक्षु पवित्र हो जाऊ आत्मा सह परमात्मा मिलन भक्त भगवान मिलन विशाल यात्रा अवधि नवदिनात्मक ए विषय विशद भाव वर्णना करिवे आमर गवेषक संजोग परिवार सदस्य वरिष्ठ सदस्य श्री दासरथी सामंतराय महाशय जहां विषय में सामान्य सूचना एठारे देवी सीए आसवा आज मुख्यतः जगन्नाथ संस्कृति दासरथ सामंतराय समस्ते जानती तथापि परिजने पंडित विद्वान प्रवक्ता उपस्थिति आमको निश्चित भाव उल्लसित करी चारण गोष्ठी भुवनेश्वर शाखार से दलपति श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषद सदस्य पुरी महाराजा द्वारा विशिष्ट कथावाचक सम्मान प्राप्त होती से जगन्नाथ ट्रस्ट पाटेणी गाँ जगत सिंहपुर बलभद्र सम्मान पाई जगन्नाथ महात्म्य प्रचारक सम्मान श्रीमंदिर पुरी द्वारा पाई पंचरात्र प्रचारक सम्मान जगन्नाथ प्रचार समिति प्रवक्ता मानपत्र गुंडीचा रथ यात्रा कमिटी श्री जगन्नाथ चेतना वितरक सम्मान कवि प्रसाद मिश्र संस्थार पाई सेवारत्न सम्मान माँ भवानी कलिंग रत्न सम्मान कलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट रु तेणु आज से स्कंद पुराण को आज प्रिय प्रवचक मोर ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ मान को सम्मान जनाई आमंत्रण करुछी श्री दासरथी सामंतराय महोदय को कथामृत
प्रभु को एवं आम मन को सामान्य भाव में आप्यायित करूँ आम मैंने निमित्त मात्र शुणा को अपेक्षा करतमान अनुरोध करुच्ची दशरथी भाई को सी तर प्रवचन रखिए। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सुना जाउ त आ? हां हां सुना जाउ। हेलो सुना जाउ छी। सुना जाउ। हां ओ नमस्ते सत्यते जगत कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय परित्राही जगन्नाथ मग्नम संसार सागरे अनाथ बंधो कृपया दिनं मां ताप संकुलम त्राही विष्णु जगन्नाथ त्राही नः परमेश्वर त्वामृते कमलाकांतो कोह सक्तः परिरक्षणे नमो अकिंचन विताय निवृत गुणवृत्तये आत्माराय शांताय कैवल्यपतये नमः। बोल महाप्रभु जगतपति जगन्नाथ अंकरा जय प्राणेश्वर महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आज ये रथ यात्रा अवसर रे ये कार्यक्रम सह संप्रक्त एवं भाग नैथिबा समस्त भक्त वृंद को मोर अभिनंदन विनम्र प्रणाम। आमे ये पावन अवसर रे एक शीर्षक रखीचे श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम। श्रीक्षेत्र आम पै नुह आम पै नुआ नुहे कि पुरुषोत्तम चेतना आम पै नुआ नुहे ये सब पुराणा कथा किंतु याकु मने पकई देबार कारण होचे या श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम एमती एक शीर्षक आम रखिले यही उज्जीवित करने को पुणी मन पकईदेक सही कथा कारण वेद ही समग्र पृथ्वीर एकमात्र शास्त्र जी ब्रह्म संबंध में जिते आलोचना जिते विचार विमर्श जिते जहा कि ब्रह्म संबंध में कहगला गोटे शब्द में कहले नेति नेति न इति न इति माने जी जहा कहि जी कही जहा शास्त्र माने कहते पर्याप्त नुहे ब्रह्म संबंध में ता पर्याप्त न इति ताने आ तो सेमिति से दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवम यही न्याय रे वेदर से नीति 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 रे कौन न इति न इति जहा शास्त्र कहिसंती ताहा ठरु अधिका ताहा ठरु अधिका यही कथा को जानिबा पई सुनिबा पई विशेष करी यही रथ यात्रा अवसर रे टिके संक्षिप्त आलोचना करिबा पई ई एमती एक अवतारणिका रखा गला। सबुठु बड़ कथा होची मन एमती चाहे जी जानव भगवान कथा विषय कथा पुरुषोत्तम कथा ब्रह्मर कथा लीलार कथा माधुर्यर कथा एवं जी जी सब इतिहास अच्छी ताकू सब जानवापी चाहे गोटे सदुक्ति अच्छी नाग्नी तृप्यति काष्ठा नाम नापगाना महूद नातक सर्वभूताना न मन अनुसंधान अर्थ हूँ या न अग्नि तृप्यति काष्ठानाम काष्ठ मान को पाई इंधन को पाई अग्नि केवे तृप्त हो पारे जिते देले इंधन अग्नि भस्मसात करे सी केवे तृप्त हो पारे नापगाना महु दधी जिते नदी समुद्र रे मिसिले समुद्र से परिपूर्ण हो उठे भी तृप्त हुए नी जेते नदी सिले भी सत्य तार कि जायस नाही सी भी तृप्त हो पारे नी न अंतक सर्वभूतानाम प्राणी मान को पाई अनंत काल
काल के संतुष्ट हो पारे तृप्त हो पारे प्राणी मान जीवन को पाई मृत्यु को पाई सी केतोष हो पारे ना सेमती मन अनुसंधान को पाई से अनुसंधान सरीज एमती मन कौटी ना तो मन सेमती चल मन मंदिर घंटा घंटार आरती ध्वनि तो ठीक से ही समय रे से एक पावन मुहूर्त जो कि आम कथा कथा वार्ता हो तो प्रभु मन से माने ना पुणी अनुसंधान पुणी अनुसंधान एमती बारंबार बारंबार चाहे तो से किसी मात्र आज आलोचनार अंश श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र सृष्टि प्रारंभ रे भगवान ब्रह्मा जी की गोटे कथा कहते ब्रह्मा जी तमें जानिन पृथ्व्यांग गोपीतंग स्थानम तब चापी सुदर लभम सुरा सुराणाम दुर्गेय माय आच्छादित मम हे ब्रह्मदेव मो माय आच्छादित एपरी एक स्थान अच्छी जहा तुमको अज्ञात तमें जानिना श्रीक्षेत्र सीए बेल थिला सृष्टि प्रारंभ कथा एवं श्रीक्षेत्र ये तो मानने सर्वजन विदित पुणी समस्त पावन क्षेत्र पावनतम क्षेत्र सी जा विषय विशेष किसी कहार ना तो श्रीक्षेत्र कहीं श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम रखिले ये विलक्षण कथा को गोटे मात्र ढंग से कह हूँ वंद्रे श्री पुरुषोत्तम प्रतिदिनम लक्ष्मी निवासालयम महालक्ष्मी निवास आलय घर व क्षेत्र हूँ श्री पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र तो जेउठी महाप्रभु रहिबे सेठी तो लक्ष्मी रहिबे ये एक अनपायनी शक्ति ये तो केवे अलग हो पारे ना तेणु लक्ष्मी निवास क्षेत्र ही नित्य गोलक ए संदेह कर तो कवि संप्रो उत्तर भंज वैदेश विलासर प्रथम छंदर शेष धाड़ी रे गोटे सुंदर कथा लेखिले जे प्रभु नीलाचल रे केमिति अछंती केउ स्थिति से इभली वैकुंठ से विकास खंडित मंडले सिंह भाव रे क्रीडित काले भवे तरणी होई मंजुले गिरी उदित जे भवे तरणी हो मंजुले गिरी उदित जे विराज विकास अखंडित मंडल सी जो मंडल रे प्रभु निवास करिसंती लक्ष्मी निवासालय रे सी किभली है जे अखंडित मंडल सी जो स्थान तार खंडन नहीं सी एक नित्य गोलक संपूर्ण भाव रे गोलक वैकुंठ जेमिति ये मर्त्य गोलक सेमिति श्रीक्षेत्र नीलाचल ये एक नित्य गोलक नहले प्रभु से विराजमान कर नथान्ते तो एमती एक भूखंड जहाँ खंडित हुए ना जहाँ प्रलयर मध्य चल रही कदापि न चल देव तस्मात नीलाचल स्मृत नीलाचल व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ जहाँ प्रलयर मध्य चले ना जो स्थान ताको आम नीलाचल कहू से प्रभु अवस्थान करिसंती अचल भू सी के दबिबार ना प्रलय बुड़ी जीवार ना विलय हबार ना निशेषण लये जाती सर्व चैब ही जानतव समस्त जो मुक्ति लाभ करती से क्षेत्र ही नीलाचल धाम एमती नीलाचल प्रशस्ति करू करू थे महर्षि जैमिनी सिद्ध मान सभा ऋषि मान सभा गोटे कथा प्रकाश कले जले स्थले चांतरिके मुक्ति श्रे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री क्षेत्र रे जल रे हो स्थल रे हो अंतरिक्ष रे हो जो मृत्यु हेले मुक्ति निश्चित हो जाए सीए सभा रे तांकर शिष्य महर्षि उद्दालक सीए ताको हठात उठी ठिया हेले यार प्रतिवाद जणाइले कहले गुरुजी आपण जत्ते बेले हमको पढ़ाउथिले सेते बेले गोटिए कथा कहउथिले आत्म साक्षात्कार बिना जे पर्यंत निजे जने निज को चिन्ह ना से किए बोली जानी ना से पर्यंत मुक्ति असंभव आत्म साक्षात्कार बिना मुक्ति केवे संभव हुए ना।
हेमंते पुरुषोत्तम रे मृत्यु रे मुक्ति हुए भले आपण केमिति कहउछंती बिना आत्म साक्षात्कार रे निजु को निजे न जानी तमे किए एक कथा को न बुझी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे खाली मृत्यु हेले मुक्ति हे जीव ए कथा को मु सहज रे ग्रहण करि पार नाही आपणकर पढ़ेबा समय कथा एबे प्रवर्तन दबा भितर जो पार्थक्य आम बुझी पार ना तो ये महर्षि जैमिनी गोटे सुंदर कथा ऋषि मंडली कहले उदाल बुझेले गोटे कथा तमें जाच भगवान जगन्नाथ ये कहीं अच्छा पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थान कर उपनिषद गोटे कथा से कहले कार्य न तस्य कार्य कारण विद्यते न तत् समस्त अभ्यधिकत दृश्यते परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच महर्षि उदाल मुनि माने आपण माने गोटे कथा जानती संपूर्ण भाव भगवान कार्यर उपलक्ष किछि नाही सी जो कार्य करती ता ठीक भूल बाछवा मनीष पक्षे तो आदम संभव नुह सी एमती सृष्टि करती तार उपलक्ष कहीं कारण भूत भविष्य वर्तमान सर्ज अनुमान समय बस सर्वदे कहारी संगे समन है अल्प बहुत नुह तहार सान बड़ ना से अल्प नुहे बहुत नुहे सान नुहे बड़ नुहे सबुठ बड़ कथा ला भूत भविष्य वर्तमान सर्जयी करी अनुमान तीन काल को आखि आगे रखी भगवान सृष्टि रचना करती अतीतरे सृष्टि कौन थिला एबे कौन होची पुणी जेते भविष्य ये सृष्टि केमिति रहिबो एवं ये कौन फलवत्ती हम ये तीन काल कथा को भगवान विचार करी सृष्टि करी थांती तेणु तांको कार्यर उपलक्ष किछि नाही सी काहीकि करंती किपरि करंती सी ताही जानंती से तारु कार्य कारण ये दीटा एक न तस्य कार्य कारणांच विद्यते तांको कार्य को उपलक्ष दिया जाय परिबो नाही कारणर कारण मध्य खोजा जाय परिबो नाही चंद्र सूर्य टेले आलोक दौ था तारामंडल रहीबार कौन कारण यार कारण किए खोज अनंत आकाश रे ये समय को अवधि रखा एत लंबा काल छाड़दबा यार कारण किए बा कह गचरे फूल फुटे फल हुए फूल फल न गछ सृष्टि हुए यार कारण किए कह तेणु कार्य कारण दीटा जाक जार अनिर्दिष्ट जो महाप्रभु सी हूं कार्य कारण बाहर न तस्य कार्य कारण विद्यते न तत् समस्त समान आउ कई नहांती अभ्यधिक तो दृश्य अधिक बातु बड़ कहीं नहांती कार्य कारण को उपलक्ष दि जा पार नहीं समान कहीं नहांती किंबा तांकर बड़ कहीं नहांती परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते विविध भाव विभिन्न प्रकार अनेक स्मृति रे शास्त्र रे वेद रे अनेक शास्त्र रे सही परसर कथा पुरुषर कथा उज्जीवित हेजी लेखा हेजी तेणु विविध भाव तारी शक्ति वर्णना करा जाइछे जहांकर ज्ञान बल एवं क्रिया स्वाभाविक कार धार करा नुहे कोठु आसे नाही किंबा अर्जन करा जाए नहीं ता स्वाभाविक ज्ञान बल एवं क्रिया जहां स्वाभाविक ये हूं आम महाप्रभु पुरुषोत्तम जगन्नाथ यही चेतन रे महाप्रभु जगन्नाथ पुरुषोत्तम कहीं हेले एवं से क्षेत्र रे मृत्यु हेले मुक्ति मिली जीव आत्मदर्शन न थी आत्म साक्षात्कार नई एक जैमिनी बुझेवा लगिले गोटे कथा कहले ये क्षेत्र रे मृत्यु हेले गोटे कथा हुए भगवान शरीर है सो नाम ना ही क्षेपित ना ये क्षेत्र है ये क्षेत्र शरीर है ये क्षेत्र रे मृत्यु समय रे मोक्षकामी जीवर
आत्मदर्शन हो जाए क्षेत्र प्रभाव रे आत्मदर्शन आपे आपे हो जाए मुक्ति रि कामना अच्छी मुक्ति पाइबा को जीवटे इच्छा कर श्रीक्षेत्र मृत्यु होउछि क्षेत्र प्रभाव एते टाण जे ताकू से मृत्यु काल रे आत्मदर्शन करई दिए ताकू निजे किछि करबा को पड़े ना जेमती चुंबक लुहा को टाणे सेमती ये क्षेत्र ये आत्मदर्शन विधि की टाणी आने जो सहज हो जाए महर्षि उदालक क्षेत्र महात्म्य जो क्षेत्र स्पर्श पा थी क्षेत्र चुंबकीय गुण थी शक्ति थी आत्मदर्शन आपे आपे हुए जो मृत्यु काल में श्रीक्षेत्र मुक्तिकामी लोकर समस्त नुहे मुक्तिकामी लोकर मुक्ति होता है। तो ये तो श्रीक्षेत्र कथा आम एमती श्रीक्षेत्र कथा समस्त केते जानीचे केते सुनीचे सर्वजन विदित ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र यह क्षेत्र हो कि ना ये तो संपूर्ण भाव नित्य गोलक पाल्टी जाइए। एवं देखा श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम पुरुष कहले कौन ये चिंता ही बेले बेले आमको असुविधा पकई दिए जी ब्रह्म सीए पुरुष कि जदि पुरुष ही ब्रह्म कि ब्रह्म ही पुरुष तबे ब्रह्म जगार पुरुष कहार माने कौन अच्छी आम शास्त्र मान सिद्धांत मान पुरुष शब्द को जो देखु वेदरे ऋग्वेदरे पुरुष सब शब्द आसे उपनिषद मान पुरुष शब्द आसती सूक्त संहिता मान पुरुष शब्द आसे एवं शास्त्र पुराण मान पुरुष शब्द आम बहुल भाव पुरुष शब्द देखा पाऊ। तो ये जो पुरुष ये पुरुष माने कौन पुरुष जदि ब्रह्म ताले ब्रह्म न कही पुरुष कहार कौन माने अच्छे ना ब्रह्म भावना आग ना पुरुष भावना आग ये कथा को टिके ढंग रे देखिले आम शास्त्रीयतार विचार कले ये कथा अति परिष्कार ब्रह्म चेतनार परवर्ती चेतना हूँ पुरुष चेतना वेद उपनिषद प्रथम स्थान अधिकार करेतना हूँ पुरुष चेतना अर्थात ब्रह्मर बहु परवर्ती चेतना हूँ पुरुष चेतना ब्रह्म हौ वेदरे ब्रह्म हूँ सूक्त संहितार ब्रह्म हूँ गीतार पुरुषोत्तम हूँ कि शास्त्र मानकर पुरुषोत्तम हूँ यार मौलिक चिंता एक समस्ते ब्रह्म पर्यायवाच किंतु प्रकरण भेदरे विभिन्न जगार पुरुषर संज्ञा बा पुरुषर व्याख्या विभिन्न प्रकार करा जाइछ मात्र किंतु यार मौलिक लक्ष्य हूँ ब्रह्म सह एकत्रीकरण करिबा तबे ब्रह्म न कही पुरुष काहीकि कहजिव तेणु पुरुष शब्द मूल तत्व को आम टे आलोचना कले जथेष्ट पूरा औसत पुरुष अर्थात जी पूर्वे चेतन थिला एबे चेतन अच्छी जुगावधि चेतन है रहिबो सीए ही पुरुष। द्वितीय पुरुष परिकल्पना आमे जहाँ को करिचे पुरी सेते पुरी माने पुररे ये शरीर एक पुर या भीतर सेते निवास करितिबा आत्मा सीए होची पुरुष। ये ब्रह्मांड एक शरीर ये ब्रह्मांड भीतरे जेमिति शरीर भीतरे आत्मा पुरुष सेमिति विश्व ब्रह्मांड भीतरे परमात्मा होचंदी पुरुष तेणु आत्मा परमात्मा मध्य पुरुष पुरी सेते पुररे अवस्थान करितिबारु पूर्णे सज्जते पुरुष जेउं थारु जेते नेले भी पूर्णात पूर्ण मुदच्यते संपूर्ण नहीं गले मध्य जे पूर्णी पूर्ण रहे पुरुष अर्थात पुरुष कहले एक चेतना जहा पूर्वे थिला एबे अच्छी काला जुगावधि रहिबो जी पुररे शयन करे ब्रह्मांडर मध्य थाए प्राणीर अंतरे बाहरे उभयतरे आत्मा एवं परमात्मा रूपरे थांती सी मध्य पुरुष एवं एपरी एक पूर्ण तत्व जेउथिरु पूर्णरु पूर्ण नेइगले मध्य अवशेष पूर्णी पूर्ण रहे ये समस्त होचंती पुरुष। सबुठ बड़ कथा होची उपनिषद माने ये पुरुष तत्व को जेभरी भाव रे जगन्नाथ तत्व रे
किभली माने गुंफित करागला मूर्ति तत्व तैयारी हला एवं जे भली भाव रे आमे बुझिले शास्त्र को सही विषय रे सम्यक आलोचना आज गोटे इच्छा थिला विचार विमर्श रखा सही पे श्वेता श्वेत उपनिषद गोटे पद ही आवृत्ति करवा गोटे टिके मन पकेवा ज्ञ द्वा बजा ईश निश अजा एक भोक्तृ भोगार्थ युक्ता अनंत सात्मा विश्व रूप करता त्रय बिंदते जत्र ब्रह्ममेतत् त्रय बिंदते जत्र ब्रह्ममेतत् अर्थात एभली भावरे ब्रह्म परिकल्पना को जन्म मरण रहित कर दिया गला कारण जो चेतना थिला अच्छी रहिबो जे पूर्ण रूप पूर्ण गले रहिबे जे अंतरे बाहरे अच्छा सी तो केवे निश्चिन्न हबार नहांती नाशवान नुहंती तेणु सबुठ बड़ कथा हला यांकु जन्म मरण बाहर रखी दिया गला उपनिषद रे वाक्य रे देखिबे जने ज्ञ आउ जने अल्प जने सर्वज्ञ एवं आउ जने अल्पज्ञ ये दुई जन होती संपूर्ण भाव ये दुई जन अजन्मा जन्म मरण रहित जी सर्वज्ञ सी भी जन्म मरण रहित जी अल्पज्ञ जीव सी मध्य जन्म मरण रहित जने ईश एवं जने अनीश जे प्रभु ईश सर्वव्यापक सत्ता जे संपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ तांकु त आमे परमात्मा हिसाब से परम पुरुष हिसाब से जानिलु जने अनीश अछंती आत्मा को अनीश बोली एठी कहाइछे से ईशत्व तार नाही काहे कि अपन देखिबे गीता रे जते बेले अपन ई क्षेत्र क्षेत्र के संबंध कथा पढ़िबे देखिबे क्षेत्र सुंदर भाव रे गोटे कथा लकाइछि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतत् जो व्यति तं माने ताकु ही क्षेत्रज्ञ विदु माने पंडित माने यहाँ जे जाने यही शरीर को जे क्षेत्र बोली जाने ताकु लोके क्षेत्रज्ञ बोली कहते तो शरीर को क्षेत्र बोली कहा गला शरीरस्थ आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोली कहा गला किंतु एठी उपनिषद तत्व रे आत्मा को अनीश बोली कहा गला से ईश नुहे स्वामी नुहे क्षेत्रज्ञ बा क्षेत्रज्ञ परी किछि कहा गला नाही तार कारण कौन याकुई टिके भल भाव रे गीता को हमें पढ़िले अनुशीलन कले एया बुझिबा सेति पई त कहली आजिकाली विचार विभ्राट रो जो चली टिके अंतत आशा करिबा ठीक भाव रे बुझिबा पई आत्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र शरीर आ आत्मार संपर्क प्रकृत रे ये केते क्षेत्र स्वामित्व रखुचे आत्मा सही कथा रे विचार करिबा क्षेत्रज्ञ कहिले कौन हम क्षेत्र मालिक ये शरीर जदि क्षेत्र तार मालिक जदि आत्मा मालिकता इच्छा रे काम कर ना ता कियारी किसे बांगी दे पारिबो ना नाही बिकी दे पारिबो ना नाही बदले दे पारिबो ना नाही जदि आत्मा को माने संपूर्ण भाव रे शरीर मालिक हि जाई थांता ताले से ये शरीर तार स्वर भल नुह ताकु से बदले दे पारंता से देखिबा को कला ताकु गोरा कर दे पारंता तार व्यवहार भल ना से परिवर्तन कर दे पारंता शरीर कौन सी काम को आत्मा परिवर्तन करी पारे नाही तेणु कौन से क्षेत्र जे ता क्षेत्र रे बिकी पारिबनी भांगी पारिबनी किछि करि पारिबनी एपट सपट करि पारिबनी ताहले सी कि क्षेत्रज्ञ द्वितीय कथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संपर्क एति पई काहीं की क्षेत्रज्ञता को कह क्षेत्र संबंध जो क्षेत्रज्ञ जमी सबु धर्म जन जानी एम लोक ना कि धर्म जानी तेणु धर्मज्ञ कहचे मर्म जानी मर्मज्ञ कहचे वेद जानी वेदज्ञ जानी सी जे सर्वकि सबकि नुह तेणु संबंध दृष्टि क्षेत्रज्ञ वेदज्ञ धर्मज्ञ जमी आम व्यवहार करुचे सेमिति क्षेत्र आत्मार क्षेत्र संपर्क जोगु आमे ताकु क्षेत्रज्ञ मात्र कहुचे से क्षेत्र अधिपति नुहे ता इच्छा रे क्षेत्र रे किछि अदल बदल हे परिबो नाही तेणु से की हिस तेणु एठी ताकु उपनिषद कहिले ना से अनिस
जने ज्ञ सर्वज्ञ जने अल्पज्ञ जने प्रभु पणिया जार अच्छी ईश पणिया अच्छी जनक ईश पणिया नाई ये दो इम पुरुष लोके दि प्रकार अजन्मा पुरुष जन्म मरण रहित पुरुष दुई प्रकार द्वाबी मऊ पुरुष लोके क्षरस्य अक्षर एवच एथिरे ए दुई प्रकार होउछन्ति पुरुष कौन पुरुष एकु किए जानुछि अनंत सत्मा सर्वरूप अकर्ता ई आत्मा जत्ते बेले ई सब जानी परंता ई सब कु जे मोर केवल क्षेत्र रो संबंध अछि मु क्षेत्र ज्ञान नुए ब्रह्म ही सब किछि मु सेमिति एक अजन्मा पुरुष अपन देखिबे एथिरे तीनोटी कथा लेखा हिछि ए श्वेता श्वेत उपनिषद वाक्य एथिरे लेखा हिछि अजा इहे को भोक्तृ भोगार्थ युक्ता दुईटी अजंक कथा अजन्मा कथा जानिले जने सर्वज्ञ जने अल्पज्ञ जने ईश जने अनिश ये दुई पुरुषंक व्यतीत खर क्षर एवं अक्षर पुरुषंक व्यतीत द्वाबी मऊ पुरुष लोके क्षर अक्षर ये दुहिंक बाद आउ एक अजन्मा प्रकृति अछि जहां भोक्तृ भोगार्थ युक्ता जे भोग्य पदार्थ पुरुषर भोग्य हवा उचित से भोक्तृर भोग्य हवा कथा हौचि मध्य सीए मध्य अजन्मा तेणु आम ये शास्त्रीय सिद्धांत रु निश्चित हेले जीव ब्रह्म एवं प्रकृति ये तीन हे अनादि ये तीन हे अनादि ये तीन टी अनादि तत्व को नहीं कालजयी करिबा पई प्राग वैदिक जुगर मध्य ये समाज ये साधारण चिंताशील क्रांतदर्शी मनीष माने बड़ बड़ विद्वान माने यही तत्व को यही तीन तत्व को उपजीव्य कर रखा पाई जगत रे पूरा पूरी अमर तत्व कर रखा पाई महाप्रभु जगन्नाथ रूप कल्पना कर क्षर कहले कौन बुझाजी जस आम तो द्वितीय कथा पढ़ी तो पुरुषोत्तम कथा जी क्षर रु अतीत अक्षर ठार उत्तम एवं देखा जाऊ ये क्षर अक्षर पुरुष कौन क्षर पुरुष कहले बद्ध जीव जो जीव आत्मा स्वरूप ये शरीर भितर अच्छे किंतु बद्ध अवस्था अच्छे संपूर्ण बद्ध अवस्था अच्छी ये निजुक शरीर बोली भाभी दौर कहीं भाभी दौर एटी गोटे कथा देखिबे संस्कृत रे गोटे तातास्थ्योपाधि बा तादात्म्य भाव बोली आसे मु एक कथा अनेक थर बंती चर्चा को आनी ये कथा को तादात्म्य भावना कौन कौन से एक वस्तु आउ एक वस्तु रो संस्पर्श रे बारंबार बारंबार आसिले दुई वस्तु उभय उभय रो गुण को ग्रहण करी जाती ताकु कहंती तादात्म्य बा तातास्थ्योपाधि धरंतु गोटे चारिकोणिया लुहा जानी शुणी कहुची चारिकोणिया लुहा खंडे ताकु नियारे कमार भाटी रे बारंबार बारंबार तते दिया गला अग्नि रे आकार किछि नथिला फुलिंगिनी विश्वरुचिच देवी अग्नि रे शिखा ऊपर को उठे से तीनकोणिया नुह गोलेई नुह चारिकोणिया नुह से अग्नि सप्तजुहा विस्तार कर ऊपर को उठे किंतु सेई अग्निटा आज आकार नेइची चारिकोणिया लुहा पर देखा जा चारिकोणिया देखा जा अग्निर ये रूप कौठ आसला लुहार तादात्म्य जो बारंबार संस्पर्श रे आसीबारु लुहार शरीर को अग्नि एबे रूप बोली धारण कर सारा लुहा जार दाहिका शक्ति नथिला ये पोड़ी दे पारिब नथिला तार किछि गुण एबे से लुहा एते उत्तप्त सी एबे पोड़ी दे पारिब तार दाहिका शक्ति एबे आसीगलाणी तेणु लुहार जो गुण नथिला सीए अग्नि ग्रहण करिगलाणी तेणु लुहार ये कौठ आसला ये अग्निर तादात्म्य हेगला तेणु लुहा अग्निर तादात्म्य अग्नि लुहार तादात्म्य नला परी ये आत्मा माने बारंबार बारंबार शरीर नौ थिबारु बारंबार खाली मनीष नुह जेकोसी शरीर नौ थिबारु शरीर सह आत्मार तादात्म्य हो जाऊ कौन तादात्म्य हो जाऊ
अनेक बार ये आत्मा माने शरीर नहीं 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 शरीर धर्म गुण को निजर बोली ग्रहण करी जानती जेते बेले आत्मा रो बद्ध अवस्था आसी जाए बंदा अवस्था आसी जाए कौन से कथा शरीर अंतःकरण होची चार चारिटा मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार या शरीर गुण या अंतःकरण किंतु आत्मा माने बारंबार शरीर नौथिबारु शरीर ये चारिटा जक गुण को एबे आत्मा कहिलाणी मो मन मो बुद्धि मो अहंकार मो चित्त एबे आत्मा शरीर भाबी निजकु निजर अहंकार निजर चित्त निजर मन बोली कहिलाणी ये शरीर तादात्म्य बारंबार आत्मा संगे आसुथिबारु आत्मा ताकु तादात्म्य नहीं गला शरीर कौन पाइला आत्मा मानुकु पाई शरीर बारंबार बारंबार नौथिबारु केते बेले से पुण्य आत्मा केते बेले विशिष्ट आत्मा केते बेले माने प्रज्ञा प्रज्ञावान आत्मा केते बेले दुरात्मा आत्मा को पाई शरीर मध्य से उपाधि भूषित हो जाउछ तेणु याकु आम भाषा रे एई आध्यात्मिक भाषा रे तातास्थ्य उपाधि बा तादात्म्य बोली कहंती तो यही जीव बा आत्मा जेते बेले शरीर नै बंधन अवस्था रे पड़ी जाए शरीर ये गुण को धारण करी जाए सेते बेले आकु बद्ध जीव कहंती आत्मा रे जो निर्लेप निर्गुण अवस्था थिला चिदानंद रूप थिला चीर भास्वर थिला सप्रे अदेह अप्राद्य अशस्य ई जो सब विशेषण आमे आत्मा रे जानिथिले सी आउ सही अवस्था रे नाही जेते दिन पर्यंत सही विमल विमुक्त आत्मा निर्लेप चिदघन आत्मा शरीरस्थ ही अछि से बद्ध अवस्था रे अछि एई अवस्थार ना होची क्षर पुरुष आशा करूची आमे आउ द्वंद्वरे पड़िबा नाही याकुई कहंती क्षर पुरुष जेउ आत्मा संपूर्ण अभ्यंतर बाहर रहिला प्रकृति रे रहिला संपूर्ण भाव रे कुटस्थ ही रहिला कुट माने माया कुट माने लुचि रहिबा लुचि छपी रहिबा तो संपूर्ण भाव रे कुटस्थ भाव रे प्रकृति रे स्थान रे जो माने अवस्थान करि गेले सेमिति निर्लेप आशय भाव रे सेई आत्मा माने होछंती कुटस्थ बा अक्षर आत्मा तो क्षरस्थ अक्षरस्थ ये दुई जन आमे आंकु दोउ इमउ पुरुषउ लोके ये दि जन पुरुषंकु उपनिषद तत्व हिसाब रे आमे पुरुष हिसाब रे जानी फुले किंतु संपूर्ण वेदांत गोटिए कथा कहिले गीता ताकु स्पष्ट भाव रे सर्व वेदांत रो सार गीता तार निचोड़ दे देले प्रतीक माने संपूर्ण भाव रे ताकु गोटे स्थिति के आनिले भगवान कहउछंती जस्मात क्षरम बद्ध जीव तारु जेहेतु मु अतीत कुटस्थ आत्मा ठारु संपूर्ण निर्लेप चैतन्य आत्मा ठारु जे मु उत्तम तेणु मु मध्य पुरुष जस्मात क्षरं अतीतोहं अक्षरात अपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदेच प्रथितः पुरुषोत्तम लोके सेति पे मते पुरुषोत्तम कहन एही चेतना को किभळी भाव रे सत्ता बळे क्रांतदर्शी माने बुद्धिजीवी माने उपनिषद रे एही चेतना को गुंफित करी जेउ ब्रह्मर किछि भी नथिला ब्रह्म विषय रे आमे जहा जाने पुरुषता ठरु एति भिन्न एवं आमे स्पष्ट भाव रे गोटिए सिद्धांत आज नेले आशा करू छी आम मानकर मने रहिबो पुरुष चेतना ब्रह्म चेतनार परवर्ती चेतना काहेकि कारण ब्रह्म संबंध रे आमे वेद रे उपनिषद रे शास्त्र मानकर जहा पाइछ सपरजुगात ब्रह्म सर्वव्यापक अर्थ तार शरीर नाही शुक्रम से अति बलवान अकायम जहांकर शरीर नाही अव्रणम जहार रोग हबार आशा मध्य नाही शरीर नाही रोग कौठ हब अस्नाबीरम नाड़ी समूह नाही रक्त संचालन पाई श्वासक्रिया पे जहार नाड़ी समूह नाही स्नाबीर नाड़ी सब किसी नाही ये होछंती ब्रह्म पुणी सीए कवि मनीषी परिभू स्वयंभू से परिभव दाता से स्वयं उत्पन्न से क्रांतदर्शी से सबू किछिर ज्ञानता
ये जो ब्रह्म को जो गुण रे भूषित करा जाइछि वेद उपनिषद रे आमे ब्रह्म कर संबंध रे जहा जानु पुरुष ताठरु संपूर्ण भिन्न कारण ब्रह्म एपरी एक पदार्थ आमे कले जहार शरीर नाही स्थिति मात्र अछि जहा दृश्य नुहे प्रतिभात नुहे न तस्य प्रतिमा अस्ति जहांकर प्रतिमा हेई भी पारिबो नाही तो एमिति अचिंत्य ब्रह्म को आमे स्रष्टा बोली कहिले सीए ही जगतर स्रष्टा बोली आमे जेते बेले कहिले अरे जहार हाथ नाही गोड़ नाही अवयव नाही देखिबार नाही किछि नाही एमिति शून्य ब्रह्म सृष्टि केमिति करिवो तेणु ब्रह्म जे निष्क्रिय थिला संपूर्ण अतर्प थिला पंगु थिला पुरुष हेले मध्य जे करिवार किछि शक्तार पाखरे नथिला सेई ब्रह्म को कार्यकारी करै ताठरे अवयवर आभास देई इंद्रिय मानकर आभास देई सी एक कार्य करि पारिबो से एक पुरुष चेतना एई चेतना को ब्रह्म ठारे उपजीव्य करैबार ना थिला पुरुष अर्थात पुरुष थिला निर्गुण पुरुष थिला निर्लेप संपूर्ण भावरे ब्रह्म थिला निर्गुण सर्वव्यापक संपूर्ण निष्क्रिय स्थाणु सत्ता ताहा को कार्यकारी अवस्था को आनी सी जे सृष्टि करि पारिबो ता पाखर मध्य इंद्रिय संभव सीए मध्य सर्वशक्तिमान सीए निमित्त कारण सीए उपादान कारण सीए जगतर कारण करिदे पारिबे प्रकृति के विक्षोभित करी साम्यावस्था को भंग करी सत्वरज तमर अवस्था को भंग करी प्रकृति के विक्षोभित करी से सृष्टि करी पारिबे ये क्षमता तांको पाखरे अछि कारण विराट गोटे बटवृक्ष गोटे बड़ फल भितर असंख्य बीज भितर भी तार बीज निहित अछि एडे बड़ वृक्ष तो सेमिति ये ब्रह्म पुरुष ताकु कार्यकारी करैबार जो परिकल्पना जो चिंताधारा ताकु पुरुष करी तोलिबारे ये कवि मनीषी मानकर जो प्रचेष्टा तार अवयव रहिबो से करिबो से पुरुष ये चिंता रे ही ब्रह्म को परवर्ती काल रे ब्रह्मर कार्यकारी रूप को पुरुष बोली कुहा गला तेणु आमे निश्चित हेगले ये पुरुष परिकल्पना ब्रह्मर परवर्ती परिकल्पना कारण तहार ये कार्यकारी रूप एवं ये कार्यकारी रूप को ही आम उपासना ब्रह्म परिणत कले महाप्रभु जगन्नाथ हुए तो यही क्षर अक्षर एवं उत्तम पुरुष समाहार हेले यही जहां को आम देखुचे जो विग्रह को देखुचे यहां को भगवान बोली सी दारू रे थिले दारू दारू पूर्वर मध्य भगवत सत्ता थिला कारण दारू ही ब्रह्म थिले दारू आसीबा पूर्वरु मध्य ब्रह्ममय थिले तेणु सी होउछंती बद्ध जीवात्मा बा क्षर आत्मा ता भितरे जो ब्रह्म पदार्थ भर्ती कर दिया गला ताहा अक्षर आत्मा ये क्षर अक्षर रु संपूर्ण भाव रे उत्पन्न गोटे चेतना ये जो जगन्नाथ चेतना जो प्रवाह यारी ना होची संपूर्ण पुरुषोत्तम चेतना तो ये तीन तत्व को नहीं क्षर अक्षर एवं उत्तम पुरुष गोटे विग्रह रे महाप्रभु पाखे सम्मिलित करदेवारु आमे जगन्नाथ को पुराण पुरुष वा पुरुषोत्तम बोली ही कहिले एहा थिला पुरुषोत्तम चेतनार कथा अनेक समय रे आमे तो गोटे पुरुष तत्व को नहीं एपर्यंत आलोचना कले आपण देखिबे पुरुष तत्व एभली विराट तत्व जे उपनिषद पुरुष आम अन्य उपनिषद सांगे मध्य खाप खाए ना तार देख गोटे खाली देखा आम समस्ते जानचे जिते बड़े ब्रह्मर रूप करागला कार्यकारी रूप करागला परिकल्पना करागला कौन हम अपाणी पाद जवनो ग्रहिता पश्यत चक्षु सशृणोत कर्ण्य सबेति वेद्य न तस्यासा तमाहुर अर्घ्यम पुरुषं महांतम माने तांकर कान न थाय सुनंती पाद न थाय चलंती हस्त न थाय नियंती आमे जेऊ ब्रह्म को ये अभाव न थाय मध्य करि पारंती बोली कहिले परवर्ती काल रे उपनिषदीय तत्व रे ताहा बदलिला बदलिला माने जेमती केमती पुरुष सूक्त रे कौन कहा गला पुरुष सूक्त रे कहा गला संपूर्ण भाव रे सहस्र शेरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद माने जहार कान न थाई जे सुनुथिले
ତାଙ୍କର ଏବେ ସମସ୍ତ ଦିଗ କର୍ଣ୍ଣ। ହାତ ନଥାଇ ଯେ ନଉଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ସହସ୍ର ପାଦ, ପାଦ ନଥାଇ ଯେ ଚାଲୁଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପାଦ। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମିତି ବିରୋଧାଭାସ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଭାସ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଭାସ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ପାଦ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାରଣ ଏଇଆ, ଯେଉଁ ପାଦ ଚାଲୁଛି ସେ ପାଦର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଚାଲିବ? ଯେଉଁ ଆଖି ଦେଖୁଛି ସେ ଆଖିର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଦେଖିବ? ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଚଲଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଚେତନ ପୁରୁଷ ଆଖିକି ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଗୋଡକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି, ହାତକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଚେତନା, ତାର ଇଏ ପାଦ, ତାର ଇଏ ଆଖି, ଇଏ ଆଖି ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଖି ପ୍ରାଣୀର ନୁହେଁ, ସେଇ ଚେତନର ଆଖି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପନିଷଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା, ଚେତନ ପୁରୁଷର ଇଏ ହଜାର ହଜାର ଗୋଡ, ହଜାର ଆଖି, ହଜାର ନାକ, ହଜାର ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ହଜାର ହଜାର କଥା କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାକୁ ପୁରୁଷ ଚେତନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅପାଣି ପାଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ମଳ ମାସ ପଡିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାସର ନାଁ ଆଉ ଦେଇପାରୁ। ଯେମିତି ଦିଟା ଆଷାଢ଼, ଦିଟା ଭାଦ୍ରବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଦିଟା ଦିଟା କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ ମଳ ମାସ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାସର ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ବଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର କହୁ। ଏବେ ସିନା ଲୋକ ଅଲାରନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଅଣସର ବେଳେ ସେଇ ଘରେ ଅଣସର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକେ। ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ମଳ ମାସ ପଡିଲେ ସେଇଠି ହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ମିଳେ। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ବରାହ ନାରାୟଣ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡିତ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଭଳି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ଯେ କେହି କାହାକୁ ସେଠି ଛାଡି ହବ ନାହିଁ। ତ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୁମ୍ଫିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଜଣେ ବାବା ତାଙ୍କ ଚେଲାଟି ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଶୁଣିବାକୁ, ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ବାବା? ନା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲି। କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲୁ ସେଠି? ଚେଲାଟି ଗୋଟିଏ କଥା ସେଠି କହିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବାଜି ପ୍ରବଚକ ଥିଲେ ନା ସେ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ସେଠେଇ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଛି ଏଠେଇ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ନାହିଁ କି ସେଇଠି ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଆରେ କଣ ଇଏ କଥା, କଣ ଏ କଥା ବୁଝେଇଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ କାମୀ ଲୋକ, ସଂସାରୀ ଲୋକ, ସଂସାର ଆସକ୍ତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ସେଠେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇଠି ଧନ ଆସକ୍ତ ହେଇ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହାସକ୍ତ ହେଇ ଏଇଠି କେବଳ କମଉଛନ୍ତି, ପର ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସେଠିକି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କିଛି। ସେଇ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ସେମାନେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଭୋଗ କରିବେ, ଯାହାର ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ଯିଏ ହରିନାମ ନଉଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ କହୁଛି, ଯିଏ ବୁଝୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତିରେ ମଜି, ତାର ଏଠେଇ ଅଛି ସେଠେଇ ବି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କିଛି ବି ନ କରନ୍ତି ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଠେଇ ନାହିଁ କି ସେଠେଇ ନାହିଁ, ବାବା ତାହେଲେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆସିଲ ବାବା, ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କରିବା, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ଯାହା ଜାଣୁଛେ। ତ ସମୟ ସେଇଆ ହେଇଛି, ଯେତେ ତଥ୍ୟ, ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ମନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୁଉଁ ନାହିଁ,
आमे ग्रहण कर पारुने ताकु तेणु जेते तत्व जेते तथ्य कहिले मध्य ताहा केवल एक प्रलाप रे परिणत हो रहुछ। पुरुषोत्तम चेतना रे अपन देखिबे आमे केवल भाव जगन्नाथ को एकमात्र पुरुष बोली प्रतिपादित कले किंतु पुरुषोत्तम तत्व रे कर्मांगी मानक रे पुरुषोत्तम जो आमर जति तार जो पूजा पद्धति अछि सेतिरे ए जो चतुर्मूर्ति ये समस्त होचंति पुरुषोत्तम अरे आमे तो जने को से क्षर पुरुष ब्रह्म दारु ता भीतर ब्रह्म अक्षर पुरुष ये दुई पुरुष को मिसाई जने उत्तम पुरुष बा समग्र जगन्नाथ चेतना पुरुषोत्तम बोली आमे विचार करले सही अनुसार तत्व करले किंतु शास्त्र कहिले विह परिकल्पना रे ये चारि जन जाक समस्त होचंति पुरुषोत्तम अर्थात जने क्या पुरुषोत्तम क्षेत्र रे कई नांते अर्थात ब्रह्म ठारु जीवर सृष्टि एक आगु शुणी किंतु आज जो सिद्धांत आम शुणिले ब्रह्म जीव एवं प्रकृति ये तीन है अनादि जहाक आम शुणी ममे बांश जीव लोके मोर अंश हूँ जीव ये अंश कहार कारण हूँ या जे सीए चेतन मु चेतन तेणु चेतना तो दृष्टि आम दिए अंश अंशीर संपर्क चेतना तो दृष्टि मो ठारु सृष्ट कथा उठुनी सीए चेतन मु चेतन तेणु दुहे चेतन दृष्टि संपूर्ण भाव आम अंश एवं अंशी तो यही दृष्टि देखिले आमे महाप्रभु जगन्नाथ को ब्रह्म बोली धरीचे जीव भली धरुचे ब्रह्म ठारु जीवर सृष्टि अर्थात जीव मध्य अनादि एक अन्य तत्व नौचे जहां को आम संकर्षण कहचे सी मध्य पुरुष एमती जीव सृष्टि जीवर मन रेणु प्रद्युम्न बा मन सी मध्य पुरुष मनर अहंकार रुचि एक विशेषता रही अनिरुद्ध अवस्था सी मध्य पुरुषोत्तम तेणु ब्रह्म हंतु जीव हंतु मन हौ अहंकार हौ ये समस्त मध्य ये मृत्यु चतुष्टय ये जो विह अवस्था अच्छा जगन्नाथ जीव ब्रह्म इत्यादि इत्यादि आम जो नाम नामित करना कहीं समस्ते पुरुषोत्तम पदवाच्य तेणु श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम ये आदिम कल्पना जन्म जन्मांतर रु कल्पना चली आसी चली कौन सी नीति रे कौन सी तत्व रे यही कथाटा ठीक एक कथा तो कही हम ना कहीं कही हम ना कारण वेद ही निजे कही नेती नुह नई नया नुह या नुह तेणु अनेक कथा आसब अनेक विचार विमर्श आसब अनेक नुआ नुआ तथ्य आसब तथापि मनीष अनुसंधान कर चली आज प्रभु दया रे ये रथयात्रार अवसर रे आम जी समय पाइले जी समय कथबार्ता हबार अवसर आमको मिलला श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम ये किए मात्र आम आलोकपात कले आशा करुच्ची समय स्वल्पता दृष्टि बाणी ये विराम करवा बोल महाप्रभु जगतपति जगन्नाथ जय हेलो हेलो मैडम भाई सारी दे समय हो गला कि प्रश्न ना मुझे धन्यवाद प्रस्ताव को गले ठीक हो प्रश्न कहारी किसी प्रश्न अच्छी कि प्रश्न जदि अच्छी पचार प्रश्न कहारी जदि ना
हेलो प्रश्न कहरी नहीं नहीं मोर मोर ओटे प्रश्न अछि मोर ओटे प्रश्न अछि जे दशरथ समुद्रा महोदय को लेने जाऊं जे अपन तो स्कंद पुराण जाहु जगन्नाथ पुराण बोले हम ग्रहण करछु जे स्कंद पुराण रे ई जो पुरुषोत्तम तत्व केमिति सुंदर वर्णन कराय छि तर सूचना दिया छि से संपर्क किछ पाइबे एथिरे ही पुरुषोत्तम तत्व नहीं केवल माने मूर्ति प्रतिष्ठार कथा एथिरे अछि हेलो आय हम सुनु छी हां एथिरे पुरुषोत्तम तत्वर व्याख्या स्कंद पुराण रे करा जाय नहीं अच्छा ताला हम केवल वेद उपनिषद आ गीता एथिरु जा हम तक संग्रह करबा आ गया हां अच्छा आउ जा जो कहिले कहिले सुंदर भाव बुझे कथा गुड बुझा बारंबार न शुणिले बुझा कष्ट कहीं प्रथम क्षेत्र विषय क्षेत्र क्षेत्र पर पुरुष विषय आलोचना कर क्षेत्र महात्म्य जहाँ को से नित्य गोलक धाम बोली कहउचंती अखंडित मंडल एवं सेठी उपस्थित पुरुषोत्तम एवं ए जो पुरुष उत्तम पुरुष केमिति हेले एवं ता विषय विशद भाव रे भाई वर्णना करचंती आमे जो माने सुनिले अमर तो ज्ञान आज्ञा एते दूर नाही तथापि ए शरीर एवं क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय रे भगवत गीता रे से सोलकोटी को मध्य सेठरे करचंती जीव ब्रह्म प्रकृति ये तीन ही होचंते अनादि बारंबार गोटे पदार्थ आउ गोटे पदार्थ संस्पर्श रे आसिले से तार पदार्थ रूप धारण करे भारी सुंदर कथाटी जेमिति आमे आगुरु मध्य से विषय शुणिछंती तापरे अक्षर अक्षर ब्रह्मंक उपरे से कहिले अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मर कार्यकारी रूप को पुरुष कहा जाउछि सेतिपई क्षर अक्षर उत्तम पुरुष ए तीनोटी को सम्मिलित जगन्नाथ चेतना कान हाथ पाद अवयव न थाई मध्य पुरुष बोली जदि कहगला तांकर हाथ पाद न थाई हजार हजार पाद हाथ आखि केमिति सृष्टि हेछि से विषय सुंदर बुझेइछंती एवं हाथ काम करूची ब्रह्म काम करू ब्रह्म ता भितरे चैतन्य देइथुवारु आखि देखुची गोड़ चालुची हाथ काम करूची तेणु ए सहस्र पाद सहस्र हाथ सहस्र आत्मा मध्य होइ जाइछंती एवं आखि पाद हाथ ए सब हजार हजार हेइ जाउछंती सेथिरु आम मानकर मध्य सृष्टि क्षेत्र पुरुषोत्तम को सहित जड़ित जे के कहारी को आउ छाड़ी रह पारे ना एठी अछि सेठी नाही जहार एठी अछि सेठी अछि अर्थात चेतन अचेतन सचेतन विषय रे कहिचंती पुरुषोत्तम चेतन रे जगन्नाथ एकमात्र पुरुष एवं चतुर्मूर्ति शास्त्र रे ए जो चारिमूर्ति जांको होचंती पुरुष समस्ते होचंती पुरुष तत्व रे से पुरुष तेनो से सुंदर भाव रे श्रीक्षेत्र रे पुरुषोत्तम ए विषय पुरुष और पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय सुंदर भाव रे संयोजित करिकरी ताकु कहिचंदी आमे मनकर जहा बुझिबा कथा आमे बुझिचु वर्तमान शेष पर्याय रे आमे पहुंचीचे मु अनुरोध करबी वर्तमान आमर भाई विभूति भूषण पाणिग्राही तांको अनुरोध करबी से देबे धन्यवाद बा कृतज्ञता अर्पण करिवे मु तांको अनुरोध कृतज्ञता रखंतु भाई विभूति भूषण धन्यवाद भौणी आज्ञा शुभचि आज्ञा शुभचि समस्त को मोर प्रणाम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु कोटि कोटि ओडियार जीवन धन मो कालिया सांतंक चरण कमल रे अनंत कोटि दंडवत पूर्वक मते आदि दिया जाइथवा दायित्व शेष स्पर्श कार्यक्रम रो शेष स्पर्श रूपक अर्घ्य आपण मानकर सामनारे मु उपस्थापन करूछि आजर आध्यात्म जात्रार जगन्नाथ प्रेमी संजोग गोष्ठी उपस्थित समस्त मूर्धन्य बरेण्य सदस्य मानकु मोर दंडवत जनाउछि कथारे अछि
श्रोता दर्शक बिना कौन कार्यक्रम सफलता संभव नुहे। आज जो सम्मान भाई भौनी माने ए कार्यक्रम रे योगदान करी ए कार्यक्रम को सफल करचंती चरण रे मु प्रणाम जणुसी एवं मोर अंतर हृदय धन्यवाद जणुछ। भौनी श्रीमती मधुस्मिता दास तांकर चिराचरित ढंग रे सुमधुर कंठरु एक लालित्यपूर्ण जगन्नाथ भजन परिवेषण करी यही आध्यात्मिक संध्यार मंच को परवर्ती कार्यक्रम पर एक मजबूत मूलदुआ पकड़े सुलित कंठरे परेशित जड़ाण आम समस्त हृदय को छुईला। धन्यवाद भौणी आपणकर चिराचरित स्मित हास्य सब बेले आम मान को शक्ति जगाऊ था एवं यही कार्यक्रम सफलता दिगरे आपण अवदान दे आपण हूँ राम गोविंद दास उपयुक्त दायाद बोली मु भावे। आज आपणकर कंठर आर्द्रता ही आपणकर जगन्नाथ प्रेमर निदर्शन आसतु। आज कार्यक्रम नायक उत्कलर जगन्नाथ संस्कृति तथा आध्यात्मिक आकाशर जन दीप्तिमंत तारका प्रवचक जगतर प्रतिष्ठित हेलो आज्ञा मुझे आज्ञा धन्यवाद आपण प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पंडित दासरथी सामंतराय महोद को मोर प्रणाम। आज जगन्नाथ तत्व जगन्नाथ महात्म्य पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय से जहा आमको बांटिले से आमे पाखरे चीर ऋणी से करुणा से करुणा पाई कालिया सांत चरण कमल रे दंडवत जणाई तांकर दीर्घ जीवन कामना करुछ। आम जीवन आछन्न अमान अज्ञान रूपक अमान अंधकार को से यही तांकर आध्यात्म रूपक कथामृत रे दूर करि पारिथिबारु मु आम ए संजोग गोष्ठी तरफ रु तांकु अनेक अनेक धन्यवाद धन्यवाद तो नुहे धन्यवाद करिवार धन्यवाद देवार धृष्टता बोध हुए मोर नाही तेणु तेणु कृतज्ञता जनाऊँ जगन्नाथ तंकर तंकर एवं परिवार रो मंगल मंगल कर भौणी विजयलक्ष्मी कथा बा कौन कह जड़े मो मतरे जड़े ज्ञानर भंडार कहले बोध अत्युक्ति हम ना समाज प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थिति सर्वजन विदित साहित्यर प्रत्येक पहाचर से तांकर उपस्थिति जाहिर करिछंती। आदि से अति सुंदर भाव संचालना दायित्व तुलेइछंती उच्च कोटीर उक्ति सबु अवतार अवतारण करी आम मानकर ज्ञानवर्धन करिथिबारु संजोग गोष्ठी तांकु जने सदस्य भाव पाई संजोग बोधे धन्य मन करे। भौणी आपण को धन्यवाद जनवर धृष्टता करिवार साहस तो मोर नाही तथापि आपण को आज अति उत्तम संचालन पर कृतज्ञता जनाऊ। शेष आसतु आज कार्यक्रम चित्रशिल्पी चित्रशिल्पी मान कृतज्ञता जनवा जो मानकर बिना यही एक सफल कार्यक्रम प्रति मासरे प्रति मुहूर्त आम मान सामना को आसुची तांकरी अक्लांत परिश्रम पाई से सर्वाग्रे अच्छा आमर समस्त आदर्श ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट रुरोधा मोर नमस्य श्रीमान हर भाई जहां आदर्श से आम सबू कार्यक्रम परिचालित हुए तथा कर्म तत्पर सुतार भाई राजकुमार सुतार जे कि प्रत्येक कार्यक्रम आम सामने परसंती एवं
आमको से अंशीदार करती राजकुमार भाई तथा प्रछद पठरे जो टेक्निकल गोष्ठी काम करो मानी आज यही एक माने आम मंच पाई जो मंच आमे विभिन्न कार्यक्रम सामिल हो आमर ज्ञानवर्धन हेबारे सहायता कर मोर नमस्कार एवं मु धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ आपण मानकर बिना केबे भी एभली एक कार्यक्रम संभव नुहे तेणु समस्त को धन्यवाद जनई मु रहुचि जदि काहाकु छाड़ी देथिबे अजाणतरे भूल करी ताहले मोरे मार्जना करिवे मोरे भूल पाई बोली मु आपण मान सारे विनीत निवेदन करुचि बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। शेषरे भाई विभूतिभूषण पाणिग्राही को मध्य कृतज्ञता जनाउँछि भाई आपण कौन सी गुण से कम नुहंती जेतेबेले आपण को जो दायित्व दिखाई आपण अति सुंदर भाव परिचालना कर सदिच्छा सब रही था आपण को अशेष अशेष धन्यवाद संयुक्त तरफ आज वेबिनार को ये रखा आम पुणी एकाठी हवा आसंता गुरुवार दिन ये प्लाटफर्म नमस्कार।